गाइस सुबह एक पंगा हो गया। थैंक यू अगेन। मैं कॉफी उठा रहा था एंड मेरे से वो गिर गई। लकीली मेरे ऊपर नहीं पड़ी, बट स्टिल यू नो कस्टमर सर्विस हम यहाँ। वन आई एम बैक विद अनदर वीडियो। आज की वीडियो बस एक नॉर्मल सा ब्लॉग होने वाला है कि मैं कहाँ पे जॉब करता हूँ। एक्चुअली मैं पेट्रो कैनेडा जॉब करता हूँ एंड मैंने स्टार्ट करी थी अपनी जॉब 2020 में। सो मुझे एक साल से ऊपर ऑब्वियसली हो चुका है। एंड मुझे जॉब कैसे मिली या फिर जॉब में कौन सी रिस्पॉन्सिबिलिटीज होती हैं उसकी वीडियो मैं बहुत जल्द अपलोड करूँगा। सो अभी हम वीडियो को स्टार्ट करते हैं एंड मैं आपको बताता हूँ कि क्या रहता है सभी के स्केड्यूल में। बिकॉज डेली 5 बजे उठना पड़ता है मुझे काफ़ी। सो मैं 5 बजे से उठ रहा हूँ काफ़ी टाइम से, बट फिर भी मुझे बहुत डिफिकल्ट लगता है। आई डोंट नो वाई, आई गेस आपको भी लगता होगा, बिकॉज किसी को भी सुबह जल्दी उठना नहीं पसंद 5 बजे। जब मुझे छुट्टी होती है तो फिर मैं 10-11 बजे उठता हूँ। तो अभी हम बिना टाइम वेस्ट करी वीडियो को स्टार्ट करते हैं। मैंने ना ऑनलाइन ऑर्डर ऑलरेडी कर दिया है। सो वो कैसे करना है वो मैं आपको ऐप के थ्रू बताऊँगा। आपको ना पॉइंट्स मिलते हैं जब भी कभी भी आप टिम हॉर्डन्स पे कुछ बाय करते हो, आपने वहाँ पे पॉइंट्स स्कैन करने होते हैं, आपको 10 पॉइंट्स मिलते हैं, ठीक है। तो जब आप 100 पॉइंट्स कलेक्ट कर लेते हो तो उसके बाद आप फ्री कॉफ़ी के लिए एलिजिबल हो जाते हो। एंड वैसे तो यहाँ पे अलग अलग ऑप्शन होती है, स्मॉल साइज़, मीडियम और लार्ज। जब आपके पास इनफ पॉइंट्स हो जाते हैं तो आप कोई भी ऑफ़र सेलेक्ट कर सकते हो। सो अभी मैंने एक्स्ट्रा लार्ज ऑफ़र सेलेक्ट करा है। सो मैं लेट होता हूँ, मेरे से कोई भी शेक वगैरह या चाय नहीं बनती, तो मैं हमेशा टिम हॉर्टन्स जाता हूँ बिकॉज़ ये घर के काफ़ी पास है। मैं अपना ऑर्डर ना मोबाइल ऐप के थ्रू करता हूँ बिकॉज़ मुझे लाइन में वेट नहीं करना पड़ता। जब तक मैं वहाँ पे पहुँचता हूँ तब तक मेरा ऑर्डर रेडी होता है। सो अभी थोड़ा थोड़ा थोड़ी थोड़ी बारिश हो रही है, सो मैं एक बार अम्ब्रेला लेकर आया हूँ। एंड वन मोर थिंग, जब भी आप घर के बाहर जाते हो हमेशा टेम्परेचर चेक करके जाओ। आप बैक साइड देखो, काफ़ी अच्छा व्यू आता है। अभी तो ठीक है, सुबह के 6 बजे हैं, बट जब विंटर्स का टाइम था इतनी इतनी स्नो होती थी कि इसी जगह पे चलना मुश्किल हो जाता था। बट अभी तो काफ़ी ठीक है। एंड अभी गर्मियों की वजह से 9-9 बजे तक यहाँ पे अंधेरा नहीं होता। सो काफ़ी अलग अलग चीज़ें आपको देखने को मिलेंगी। सो अभी हम टिम हॉर्टन्स पहुँचने वाले हैं एंड मैं आपको दिखाता हूँ। और हाँ, टिम हॉर्टन्स बिल्कुल पास में ही है, तो वहाँ पे मुझे ऐप के ऊपर ऑर्डर नंबर शो हो रहा है, तो बेसिकली मैंने वो शो करना है एंड फिर हमें अपना ऑर्डर मिल जाएगा। टिम हॉर्टन्स की तरफ जा रहे हैं। मास्क की अभी ज़रूरत नहीं है, पहले कंपलसरी होते थे। एंड वो सामने एक बहुत बड़ा प्लाजा है, तो अभी बस हमारा ऑर्डर वहाँ पर पड़ा होगा एंड हमने वहाँ से उठा लेना। यहाँ पे मेरे से भाई कॉफी गिर गई, पहली बार हुआ है ऐसा, मेरे को बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगा लिटरली। तो भाई यहाँ पे मैंने कर दिया बहुत बड़ा कांड। मैं कॉफ़ी उठा रहा था एंड मेरे से वो गिर गई। लकीली मेरे ऊपर नहीं पड़ी, बट स्टिल यू नो कस्टमर सर्विस हम यहाँ पे कहते हैं ना बहुत अच्छी है। कोई उनका रिएक्शन नहीं आया। देखो उनका मैंने सुबह सुबह काम बढ़ा दिया है ना, मुझे भी अच्छा नहीं लगता अगर वहाँ पर मैं जॉब करता बिल्कुल। तो उन्होंने कहा कोई बात नहीं। इवन उन्होंने ये भी पूछा कि तुम ठीक फील कर रहे हो, तुम्हारे ऊपर तो नहीं कॉफ़ी पड़ी है। उन्होंने मेरे लिए अनदर कप बनाया एंड मेरे लिए मुझे चार्ज भी नहीं करा। सो वो मेरे से पहली बार हुआ है कि कॉफ़ी मेरे हाथ से गिर गई। उनको वो ऑब्वियसली यू नो क्लीन करना पड़ेगा एंड उन्होंने मेरे को कुछ नहीं कहा। सो मैंने सॉरी कहा बिकॉज गलती तो मेरी थी राइट, क्योंकि उस टाइम मैं वीडियो बनाने में बिज़ी था। सो अभी हमारी बस आने वाली है, ये बस स्टॉप है एंड ये किचनर में बसेस का अलग सीन है, मतलब यहाँ पे प्राइस अलग हैं, मंथली पास के बैंकिंग अलग हैं। सो फिर मैं आपको बताता हूँ उसके बारे में डिटेल में। सो अभी मैं वेट कर रहा हूँ, मैं 15-20 मिनट में पहुँच जाऊँगा। सो अभी बस स्टार्ट होने वाली है, बिल्कुल मुझे ज़्यादा टाइम नहीं लगता पहुँचने में, पता भी नहीं चलता, 15-20 मिनट ऐसे ही निकल जाते हैं। एंड सुबह के टाइम कोई होता नहीं एंड लास्ट सीट मेरी फेवरेट है, मैं यहीं पर बैठना पसंद करता हूँ। स्कूल में भी लास्ट बेंचेस
अभी बसेस में मास्क कंपलसरी है, बिना मास्क के आप बस में नहीं जा सकते। एंड मैं गाइज आपको अपनी जो जॉब पे है लोकेशन वो मैं शो नहीं कर सकता, वो अलाउड नहीं करेंगे कोई भी वीडियो वगैरह बनानी। सो बट मैं आपको बता दूंगा कि वो जॉब मुझे कैसे मिली या उसके क्या स्टेप्स हैं। एंड सो अभी मैं आपको बताता हूँ एक बार बस से उतर कर। सो गाइस जॉब पे तो मैं नहीं अपनी वीडियो रिकॉर्ड कर सकता था। सो बस मेरी शिफ्ट ख़त्म हो गई थी 4 बजे, 5 बजे मैं घर आ गया, फिर मैं ग्रॉसरी करने निकल गया। सो अगर मैं ग्रॉसरी के लिए निकल गया उस टाइम मैं बिज़ी था, इसलिए मैं रिकॉर्ड नहीं कर पाया। सो गाइस अभी रात के बज चुके हैं 10:30, सुबह मुझे 5 बजे उठना है। बट सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ जो मैं आपके साथ डिस्कस करना चाहता हूँ वो है आपकी हेल्थ। सो हेल्थ का ध्यान रखना जहाँ पे बहुत ज़रूरी है, क्योंकि मेडिकल यहाँ पे थोड़ा एक्सपेंसिव है कुछ चीज़ों में। अगर आप अपनी हेल्थ का ध्यान यहाँ पे नहीं रखते तो आपको ना थोड़ी बहुत प्रॉब्लम्स आएंगी, थोड़ी बहुत नहीं कई बार ज़्यादा भी आएंगी। जब मैं यहाँ पे नया आया था तो मैं ब्रेकफास्ट बिल्कुल नहीं करता था, अपनी डाइट का ध्यान बिल्कुल नहीं रखता था। आपको मैं ना फोटोज भी दिखाऊंगा किसी वीडियो में कि कितना चेंज आ गया था मेरे में। अगर आप अपनी हेल्थ का ध्यान नहीं रखते, ना ही आपसे अच्छा काम होता है, ना ही आप स्टडी कर पाते हो, एंड आप दिखने में भी अजीब से लगते हो। आपका मॉर्निंग शेड्यूल है या फिर खाना नहीं खाते शिफ्ट से पहले, तो आपके लिए थोड़ा हार्ड रहता है। तो अभी मैं सुबह के टाइम अभी चाय तो मैं नहीं बनाता, चलो कॉफ़ी तो आज इसलिए ले ली बिकॉज मैं सुबह बड़ी लेट उठा, मुझे पता नहीं लगा। सो मैं लेट हो जाता अगर तो मैं तो सुबह के टाइम प्रोटीन शेक बनाता हूँ, काफ़ी अच्छा है वो, उसमें मैं शुगर भी नहीं ऐड करता। एंड अगर मेरे को कोई कोल्ड ड्रिंक वगैरह कुछ भी पीना होता है तो मैं वो भी मेक श्योर करता हूँ कि मैं जीरो शुगर वाला पीऊँ। एनर्जी ड्रिंक्स मैं पहले पीता था, जैसे कि रेड बुल। पहले मुझे लगता था कि रेड बुल में अल्कोहल होती है, बट नॉट एट ऑल। तो वो भी अगर मैं कई बार पीता हूँ तो जीरो शुगर वाले पीता हूँ। आपका मैनेजर, आपका बॉस आपसे एक्सपेक्ट करता है कि आपकी कस्टमर सर्विस सबसे अच्छी होनी चाहिए, एंड कस्टमर्स को भी लगे कि हाँ जी हमें इस लोकेशन पे बार बार आना चाहिए, इससे अच्छी सर्विस हमें कहीं नहीं। एंड एक अच्छी डाइट के बिना आप एनर्जेटिक फील नहीं करते, एंड ना ही आपका मन करता है हर किसी से वहाँ पे बात करने का। तो जब का मैंने ध्यान रखना स्टार्ट करा है, शिफ्ट का भी बिल्कुल पता नहीं चलता। एक को पता है कि आपकी आई साइट वीक है तो एक दो एक्स्ट्रा स्पेक्स लेकर आओ, बिकॉज मेरे साथ क्या हुआ, मैं 2 लेकर आया था। एक तो भाई बिल्कुल यू नो टूट चुकी थी, एक गुम हो गई जॉब पे। तो मैंने कैमराज वगैरह भी चेक करवाए, देखा भी तो मुझे नहीं मिला, एंड लिटरली वो मेरे लिए बहुत हार्ड था। सो जब मैं डॉक्टर के पास गया तो उन्होंने कहा कि भाई मेरा टोटल खर्चा आएगा $700। उसकी बात नहीं है कि मेरे को $700 पे करने पड़े, बट वो गलती थी मेरी। एंड सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या हुई, जब उन्होंने चेक करा उन्होंने कहा कि जो इसमें लेंस पड़ेंगे उसको टाइम लगेगा, हमें पहले वो ऑर्डर करना पड़ेगा, बिकॉज वर्किंग विदाउट आई ग्लासेस इज़ नॉट ईजी। तो मेरे लिए वो मुश्किल था काफ़ी, एंड वो मेरी गलती थी। आज की वीडियो बस इतनी थी गाइज, अगर आपको जो अच्छी लगी तो प्लीज़ इसको लाइक करना, अपने फ्रेंड्स के साथ जरूर शेयर करना, एंड कोई भी क्वेश्चन हो आप कॉमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो। तो